अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? क्या खैर, आप कैसे होंगे? अपने अपने घरों में ठीक ठाक और खुश और आबाद होंगे। आज आपको ज़बरदस्त सी वैरायटी दिखाएंगे। वैसे तो वीडियो प्योर की है, लेकिन दो शर्ट्स आई थी बहुत खूबसूरत लॉन पर। इसकी जी यूनिक और खूबसूरत चीज़ है, इसका गला रेशम के धागे के साथ बना हुआ है। ये इसका गला रेशम के धागे के साथ बना हुआ, बाकी काम हमारा जो टेपल का धागा उससे होता है। ये इसका कलर है, पर्पल सा कलर है। कला इसका जी आपको करीब से दिखाते हैं मल्टी कलर में, ठीक है। ये है इसकी पैक। अच्छा, इनमें सीक्वेंस लगा हुआ है, ठीक है, सितारे लगे हुए हैं। और बाजू इसके जी खूबसूरत से स्टाइल में है इस तरह से। ये है जी मिरर वर्क के साथ इसके बाजू बनेंगे इस तरह। ये स्टाइल देखिए माशाल्लाह। ये एक और है जी हैवी मिरर वर्क प्लस रेशम गला रेशम बाजू, ठीक है। ये गले का स्टाइल देखें, खूबसूरती देखें। रेशम का धागा होता ही कलरफुल में ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। रस्ट कलर इसका मस्टर्ड कलर है शर्ट का, मस्टर्ड कलर में मल्टी कलर और वाइट के साथ ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। ये सर्कल वाला डिज़ाइन बीच में बेइंतहा माशाल्लाह शीशे। गिफ्ट देना हो तो आप अकेली शर्ट ही देने, इतनी खूबसूरत लगेगी। आप अपने लिए भी इसके लिए ले सकते हैं, ये इसका काम है। ये इसकी बैक है, सारे धागे लगे हुए हैं उनको उतार लीजिए। ये खूबसूरत से रेशम थ्रेड के साथ इसके बाद ठीक हो गया। यहाँ से आपको जी बहुत ही प्यारी प्योर चाइना क्रिंकल शिफॉन की वैरायटी दिखाएंगे। पहला पैटर्न जी है रेशम के साथ, रेशम का धागा लगा हुआ है और बहुत माशाल्लाह खूबसूरत बना हुआ है। इसका काम देखिए, ये देखिए, मैं आपको आराम आराम से इसका काम दिखाती हूँ। इसकी ये खूबसूरती देखें, छोटी छोटी पत्तियाँ और सारा मल्टी कलर का काम। ये होगा कि हैवी इसका पल्लू प्लस इस पर मेरा वर्क किया, ठीक है। और ये साइड का बॉर्डर है, कितना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है साइड का बॉर्डर। ये इसका बॉर्डर है, शीशे की लड़ियाँ फोर साइडेड आएंगी और ये काम अलग आएगा, ठीक है। साइड का बॉर्डर खुला, बड़ा दुपट्टा, अक्सर लोग कहते हैं हमारे लिए ना बड़े बड़े दुपट्टे हो, उस हिसाब से ये सारा इसका रेशम के साथ दुपट्टा। खूबसूरत से पैटर्न में शर्ट, ये इसका गला चक्कर। ये एक साइड पर सारे शीशे, एक साइड पर गुलाब के सारे फूल मल्टी में, ये इसका पैटर्न। अच्छा, दुपट्टे की मैंने आपको दिखाया दो बॉर्डर, इसका भी काम इस तरह से है। दुपट्टे के जो साइड का बॉर्डर वो यहाँ आ जाएगा, जो दुपट्टे के पल्लू हैं वो यहाँ, फिर दोबारा एक डिफरेंट पैनल वाला काम, ठीक है। बाजू हैं जी इस तरह के स्टाइल में, खूबसूरत से स्टाइल में। ये फुल शर्ट, ये पैक है, बैक देखें माशाल्लाह, ठीक है। ये बैग का बॉर्डर है और यहाँ से भी बैग के साथ दूसरा बात होगा। अच्छा, वाइट सूटों को ना थोड़ा सा समझा करें, ज़्यादातर वाइट ही आते हैं। वाइट में जो वाइट काम होता है माशाल्लाह बेइंतहा खूबसूरत होता है, उसकी खूबसूरती को ना थोड़ा सा ज़्यादा करीब से देखा करें। आप उनको डाई करा सकते हैं या मुझे कलर बता सकते हैं, मैं आपको डाई की भी फैसिलिटी है, मेरे पास डाई करवा सकते हैं। अच्छा, इसका जो है ना, इसके ऊपर सीक्वेंस है वाइट वाइट, इसके ऊपर पक्की जो गुलाब के फूल हैं और वाइट ही गोटा है। फूलों में आप देखें तो फूलों में देखें कि सीक्वेंस लगा हुआ है, फूलों के अंदर जड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक है। ये इस सारा मैं आपको इसका बॉर्डर चेक करा रही हूँ, इसकी खूबसूरती देखें, बहुत ही प्यारा क्लिप पर पहनने के लिए खूबसूरत सूट है। लाइट से शेड में करवाएँ, खूबसूरत डिज़ाइन है इसका माशाल्लाह। बॉर्डर काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है इस तरह से ना, स्टाइल भी प्यारा है। ये हो गया जी दुपट्टा बड़े साइज में, जाल में है शर्ट, बीच में जो फूल आ रहे हैं गुलाब के, ये देखिए जाल में सारी शर्ट है, गुलाब के फूल उनमें भी सिक्वेंस, इस वजह से ना बहुत शाइनिंग और खूबसूरती लग रही है उनकी। यहाँ से है जी बाजू, बाजू शर्ट का फ्रंट है, बैक साइड है और यहाँ से इसका दूसरा बाजू। ये एक और है रेशम के साथ। अच्छा, इसमें धानी ग्रीन बहुत खूबसूरत लग रहा है, धानी ग्रीन ब्लू और पिंक के साथ ज़बरदस्त कंट्रास्ट लग रहा है। ये देखें मल्टी कलर है वैसे तो, लेकिन आप उसका बॉर्डर देखिए, ये इसमें सीक्वेंस की लंजा आ रही है, ठीक है। यहाँ से फोर साइड इस तरह से बॉर्डर बने का, ये इसमें ये आ रहा है गोटा, रेशम गोटा लगा हुआ है और रेशम भी धागा है, खूबसूरत सा दुपट्टा है। ये है शर्ट इसकी, ये इसकी शर्ट का पैटर्न है, इसका गला भी है शर्ट में, फुल हैवी वर्क है। ये जी आ जाएगा डिज़ाइन आपकी जो है चॉक्स पर,
तरह से इसका डिजाइन। ये तो हमारा फेमस पैटर्न है, आपने बहुत दफ़ा देखा होगा, ये रिपीट आइटम है और बहुत पसंद किया जाता है। ये देखेंगे इनमें मल्टी कलर का शीशा लगा हुआ है। ये इसका कलर, ये कलर है, ये है जी बैक साइड मिरर गोटा और रेशम पैटर्न। बैक का बॉर्डर भी है और यहाँ से बात कांथा वर्क का सूट है। इसकी असल खूबसूरती इसका दुपट्टा है, दुपट्टा फुल जाल वाला है। बहुत कम दुपट्टे होते हैं जिनमें जाल होता है और बहुत माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है। दुपट्टा फुल जाल है, इसका बेस कलर बीच है, दुपट्टा फुल इसका जाल वाला है, प्लस फोर साइडेड ये पक्के का बॉर्डर, ये वाला जो बॉर्डर है फोर साइडेड आएगा। ये कांथा वर्क जो है ना कच्चा टांका बिल्कुल न्यू पैटर्न में है। ये जो डिज़ाइन आप छोटा छोटा देख रहे हैं ना, ये डिफरेंट और न्यू है। पहले तो होता था सिर्फ गुलाब में, वो नहीं है। ये है इसकी शर्ट, बाजू सिर्फ देखेंगे माशाल्लाह फुल आपका एक बाजू कवर होगा, ये बॉर्डर आएगा आपकी कलाई पर और ये सारा बाजू का पैटर्न। ये है शर्ट का, ठीक है। बे इंतहा इसमें हमारे सूट तैयार होते हैं और डिमांड इनकी जो है ख़त्म नहीं होती कांथा वर्क पर। ये है जी इसका दूसरा बाजू बैक साइड, बैक का बॉर्डर भी है और बनती हुई है। ये है जी हैवी मिरर वर्क और खूबसूरत सा पक्का टांका। इसके आप ये गुलाब चेक करें, यहाँ से इसके पल्लू वाली साइड से चेक करें, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से, कौन सा ऐसा खूबसूरत कलर है जिसमें नहीं है। और इसकी खूबसूरती जो है माशाल्लाह, इसकी जो मेकिंग है ना इंतहाई नीट और खूबसूरत। ये देखें ये फूल देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत और नीट बना हुआ है। इस पर हैवी मिरर वर्क है साथ में इस तरह से। ये फूल इसका हो गया जी पल्लू, ये साइडों पर हो गया शीशा, बीच में फूल, टीसन सा सूट है, बहुत ही खूबसूरत। ये इसकी जो शर्ट बनेगी, बाजू देखें, बाजू पे बॉर्डर और ये बड़ा बंच बाजू पर आएगा। ये इसकी शर्ट है, ये पैटर्न आपने पहले नहीं देखा होगा। गले के साथ आप इसका स्टाइल देखें कितना प्यारा बना हुआ है इस तरह से। पहले इस पर जो है वो जाल है, फिर उसमें शीशा डाला है, फिर इसमें डिफरेंट स्टाइल में कढ़ाई करके उनके स्टाइल बनाया हुआ है। ये देखें दामन पे देखें, एक यहाँ पर आएगा मोटे में इस तरह से, एक यहाँ पर लाइन आ रही है। ये फुल शर्ट बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, कलर बहुत प्यारे लगे हुए हैं। बैक साइड है दूसरा पार्ट, ये है जी रेशम के साथ, डार्क कलर है और इसके ऊपर डार्क कलर ही लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। साथ में सीक्वेंस भी लगी हुई है, इसका पल्लू है, ये देखिए इस तरह से डबल कलर वाले शेड लगे हुए। बहुत मुश्किल इसकी मेकिंग होती है, रेशम की तो वैसे मेकिंग मुश्किल है, फिर इस तरह से बॉर्डर बनाना फूलों के बाहर ये तो ज़्यादा मुश्किल काम है। ये देखें ना कि बॉर्डर बने हुए इस तरह, ये दुपट्टा है इसका, ये इसकी शर्ट है, खूबसूरत और डिफरेंट पैटर्न है। ये जो ऊपर जाल बना हुआ है बहुत माशाल्लाह प्यारा लग रहा है, डिसेंट सा है। ये देखिए ये इसका जी आ गया दामन, यहाँ से बाजू, बैक इसकी प्लेन होगी, दूसरा बाजू इसका यहाँ पे आएगा। अच्छा ये है जी पीच और सी क्रीम के साथ, इसके ऊपर है जी चिकनकारी, ये इसका दुपट्टा है, इसके ऊपर गोल गोल जो है ना पैटर्न बना हुआ है फूलों का और उनमें जी साथ में मरोड़ी ऐड है। ये देखिए और ये इसका दुपट्टा है, हैवी स्टाइल में इसका काम है। ये चिकनकारी ना बहुत ज़्यादा नीट बनी होती है और पक्के को मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। ये दुपट्टा, ये इसके बाजू, इसके बाजू सेपरेट होंगे जी। कलर इसका बहुत नाइस है, हो सकता है वीडियो में चेंज है, लाइट पीच कलर है, बहुत ही सॉफ्ट। ये इसके बाजू का पैटर्न है इस तरह से। ये जी इसकी शर्ट है, इसकी शर्ट का आपको दिखाते हैं जी। आप चाहें तो फ्रॉक बना लें या इसको ए लेंथ शर्ट बना लें, इसको काफ़ी ज़्यादा लेंथ भी ज़्यादा है और इसका घेरा भी काफ़ी ज़्यादा है। ये इसका फुल स्टाइल है, ये भी इसका बैक का होगा, ठीक है, ऊपर फुल बैक का होगा। इसमें मैं आपको दिखाऊँ सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ जी इसकी ये चीज़ है, इसमें ना जो फूल हैं उनकी डबल लाइन आ रही है, ये देखें डबल डबल लाइन आ रही है और बहुत अच्छी लग रही है। ये शेडो भी है साथ में,
ये और है जी रेशम के साथ, ये शर्ट है बेबी पिंक कलर है इसके साथ जी, माशाल्लाह सारे कलर बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ से इसका बाजू का पैटर्न है जी, बेल बनी हुई है, शीशा है और रेशम गोटा लगा हुआ है। ये रेशम गोटा थोड़ा सा डार्क कलर में होता है। ये इसका गला है और ये शर्ट का पैटर्न है। इसके भी चौक पर इस तरह से डिजाइन है, फुल ये काम है माशाल्लाह, येलो पर्पल सब बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये जी इसकी बैक है, इसकी बैक का बॉर्डर भी है और बुटियाँ भी यहाँ से पास। ये जी इसका दुपट्टा आ गया, इसका दुपट्टा माशाल्लाह देखें जी कितना बड़ा दुपट्टा है इसका। ये काफ़ी खुला और बड़ा दुपट्टा। ये इसका बॉर्डर इस तरह, इसमें ना ये इसके दुपट्टे में से मैंने पूरा जाल ही डाला हुआ है, फोर साइडेड भी है और बीच में तरह छंडा भी है। ठीक है, ये है जी यूनिक सा पैटर्न है इसका, आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ से देखना शुरू करें आप इसके पल्लू को, इसमें ये जो चीज़ आ रही है, ठीक है, ये जो चीज़ आ रही है और जितना थ्रेड वर्क है हम सब में सीक्वेंस डाला हुआ है। ये इसका पल्लू, ये है इसकी खूबसूरत सीक्वेंस, ये गोल गोल सर्कल बनाए हुए हैं धागे के साथ और सारे कवर किए हुए हैं गोटा पत्ती के साथ। ये गोटा बना हुआ नहीं मिलता, जो पाइपिंग होती है उसको ये वर्कर खुद बनाते हैं, कितनी मेहनत का काम है, गोटा खुद बनाया जाता है। ये इसका भी दुपट्टा है, ठीक है, बीच में शीशा भी है, बूटी भी है। ये इसका दूसरा बॉर्डर है, ठीक है, इसका माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हैवी काम है। ये इसकी शर्ट आएगी, यहाँ से बाजू है, बाजू पर भी थ्री इसके बॉर्डर आ रहे हैं, बूटी आ रही है। ये शर्ट है इसकी असल खूबसूरती जी, इसमें फुल जाल है, फुल हैवी वर्क है, बहुत सारा गोटा लगा हुआ है। यहाँ से भी इसका बॉर्डर आएगा शर्ट का, बैक साइड है दूसरा बाजू भी यहाँ पर, ये इसका, ठीक है, ये इसका बॉर्डर। लाइलैक कलर है, बहुत खूबसूरत हैवी मिरर वर्क के साथ है, गोटा भी है, सीक्वेंस भी है, शीशा भी है और धागे का काम भी है, तीन चार चीज़ें मिक्स होती हैं और ये बहुत ज़्यादा डिमांड वाला काम होता है। ये इसके बाजू, ये है जी इसकी खूबसूरत सी शर्ट, ये देखें माशाल्लाह। ये ही सिर्फ एक लड़ी आप देख लें, हर पत्ती जो आ रही हर पत्ती में सीक्वेंस लगा हुआ है, यहाँ पर अलग लगा हुआ है, बीच में सारे फूलों में शीशा लगा हुआ है। ये कलर भी खूबसूरत है, काम भी खूबसूरत है। यहाँ से जी इसका दामन, ये इसकी बैक साइड, बैक साइड फुल माशाल्लाह इसकी काम वाली है। यहाँ से दूसरा पास, ये इसका दुपट्टा है, इसका दुपट्टा भी खूबसूरत स्टाइल में। यहाँ पर जी इसका आ जाएगा पल्लू का काम और ये है जी इसका साइड वाली पट्टी का काम। ये इसका दुपट्टा हो गया, लाइट शेड में है और कोटे के साथ अच्छा लग रहा है। ये है कि येलो लेमन का कलर है, मिरर वर्क की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है तो आजकल इसी तरह के सूट अच्छे लगते हैं। इस पर है जी ये सारा हैवी मिरर वर्क और ये है इसका बॉर्डर रेड के साथ और पत्तियों के साथ, बहुत प्यारा लग रहा है। कुछ लोग डार्क कलर लेते हैं, कुछ लाइट, उसी हिसाब से भी काम होता है। ये इसका दुपट्टा है बड़े साइज में, ये जी इसकी शर्ट है, बहुत माशाल्लाह कलरफुल और खूबसूरत लग रहा है। ये इसका काम है, इसके हर डिज़ाइन में ना कलर चेंज है, बीच में बेले आ रही है। ये इसका फुल शर्ट का फ्रंट, यहाँ से जी इसके बाजू का पैटर्न और बैक साइड में भी इस तरह से बूटी के साथ दूसरा बाजू, ये देखिए ये है जी वाइट पे वाइट, इसमें हरी जाली वाला काम बहुत कम बनकर आता है और देर भी बहुत लगती है। देखिए जाली वाला स्टाइल बनाया हुआ है, इसमें जितने भी फूल आपको नजर आएंगे सब में ये स्टाइल होगा। इसका जो ये बॉर्डर है इस तरह से, बिल्कुल छोटे साइज वाली पत्ती है इस पर, गोटा पत्ती जो है सबसे छोटी है। ये इसका काम, बड़े साइज का दुपट्टा है, ठीक है। ये इसकी शर्ट आएगी,
बहुत ही प्यारा और खूबसूरत है। इसको साल बाद बनकर आया, इसको काफ़ी टाइम लगता है बनने में। आम से उसको तो 5-6 महीने लग जाते हैं, लेकिन ये जो स्पेशल जाली वाला काम है ना, इसको बहुत टाइम लगता है। ये इसका फुल फ्रंट है, इसमें मरूद भी ऐड है, यहाँ से भी इसका बॉर्डर है, अच्छी इसकी लेंथ है, यहाँ से भी इसका आएगा बाजू पैटर्न। बैक पे भी इसी तरह से स्टाइल है, प्लस बैक का बॉर्डर यहाँ से। अच्छा, ये है जी लाइट पर्पल कलर में, गुलाब टांके के साथ और पक्का और चिकन का। ये इसका पल्लू का काम है, ये साइड का बॉर्डर है, लाइट शेड में धागे भी लाइट लगे हुए, गुलाब टांका बनाया हुआ है इसका। ये वाला ये शर्ट है, इस तरह से जाल बना हुआ है शर्ट में, खूब माशाल्लाह प्यारे लग रहे। लाइट सॉफ्ट सूट है, इस तरह के आप जो है वर्किंग लेडीज भी पहन सकते हैं, क्योंकि हैवी काम नहीं है। यहाँ से इसका कमन, यहाँ से बाजू, बैक बूटी और दूसरा बाजू। ओके, आज की वीडियो यहीं तक है। प्राइजेस के लिए व्हाट्सएप कीजिएगा, इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।